अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाते हैं दाल, वो भी मेरे स्टाइल में। तो मेरी रेसिपी को जानने के लिए दाल में किस तरह से बनाती हूँ आखिर तक मेरे वीडियो पे बने रहें। और इस दाल को हम चावलों के साथ या रोटी के साथ किसी भी चीज़ से पराठों से यूज़ कर सकते हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और मेरे स्टाइल में बना कर देखें। यह दाल नुकसान भी नहीं देती और टेस्टी भी ज़्यादा लगती है। 1.5 कप दाल ली है मैंने मसूर की, धोकर आधा घंटे तक भिगो ली थी। अब इसको इस तरीके से बनाते हैं। देखिए पानी मैंने इसमें 1.25 गिलास डाला है और इसको रखते हैं गैस पे। इसमें हल्दी डाल दी हूँ 1/4 चम्मच और 1 चम्मच नमक। अब इसको हम पक्का नाने तक ऐसे ही पकाते हैं। धनिया पाउडर डालना है हमें 1/2 चम्मच। दाल में धनिया कम डालना चाहिए वरना टेस्ट खराब कर देगा। और ये 1/4 चम्मच मिर्चें, इसके लिए लिया है हरी मिर्चें 4, टमाटर 1 और ये हरा धनिया लिया है। इसको हम बारीक काट लेते हैं, बाकी चीज़ें पक्के नाने पर डलेगा। आपको मैंने पहले बता दिया था कि मैं पानी को हल्दी और नमक के साथ दाल को रख रही हूँ। दाल में जब पक्का आने लगे तो ये सारे झाग इस तरह तरीके से उतार लेंगे। झाग उतारने के बाद हम डालते हैं इसमें टमाटर और हल्दी पहले ही डाल दी थी, धनिया पाउडर और मिर्चें और ये 1/2 चम्मच लहसुन और अदरक। और ये हरी मिर्चें लगा देते हैं इसका कैप और 2 सीटी लगा देते हैं। 2 सीटी हमारी आ चुकी हैं, अब गैस बंद कर देते हैं। और ये बघार के लिए सामान लिया है, इसको बारीक काट लेते हैं। इसमें बघार कर देते हैं, ये डालते हैं तेल। देखिए दाल तैयार हो चुकी है, एकदम करके बेहतरीन तैयार हो गया। अब इसमें बघार कर देते हैं खाली। इधर करो, तेल गर्म हो गया। इसमें पहले थोड़ा सा लहसुन डाल देती हूँ। लहसुन ब्राउन हो जाए तो प्याज डाल दो। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, थोड़ा हरा धनिया। हाँ तो नाजरीन, हमारी दाल तैयार हो चुकी है। इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।